गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल। अच्छा, कल तक हमने ना अपनी क्लास में कल तक हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर में शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टॉक लेवल्स। अच्छा, हमारे पास टोटल पांच स्टॉक लेवल्स हैं। इन पांचों के ना आप एक बार फॉर्मूलेस कॉपी कर लो। ये वाले जरा देखो, फॉर्मूलेस क्या क्या है। पहला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ देखना। पहला है रीऑर्डर लेवल, ठीक है। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अच्छा, सेकंड है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। थर्ड है मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फोर्थ है एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय टू। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और दूसरा है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और फिफ्थ आता है डेंजर लेवल। फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। कॉपी कर लो। फिर मैं आपसे ना थोड़ा सा जरा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ये लेवल्स होते क्या हैं। एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ठीक है। चलो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं ये लेवल्स आपके हैं क्या। जब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको। ये देखो, अच्छा ध्यान से देखना। अज्यूम करो ये मेरी फैक्ट्री का गोडाउन है। ये मेरी फैक्ट्री का क्या है? गोडाउन। पता है हमने क्या कर रखा है? हमने अपनी फैक्ट्री में तीन लेवल्स हमने फिक्स कर रखे हैं। सबसे ऊपर जो लेवल होता है ना, दैट इज नोन एज मैक्सिमम लेवल। सबसे ऊपर जो लेवल होता है, फिर आता है सेकंड नंबर पे रीऑर्डर लेवल, होते क्या है अभी बाद में समझते हैं, और लास्ट में आता है हमारा मिनिमम लेवल, ठीक है। अच्छा मतलब समझना, व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? मैक्सिमम लेवल मतलब आपका स्टॉक का लेवल इस लेवल को एक्सीड, इस लेवल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक लेवल इस लेवल को क्या करता है? एक्सीड, दैट मींस यू विल इंकर हैवी कैरिंग कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आप इंकर करोगे। तो याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल से ज्यादा स्टॉक अपने पास रखना नहीं चाहती है। क्यों? अगर इससे ज्यादा स्टॉक रखती है तो उसे इंकर करनी पड़ती हैवी कैरिंग कॉस्ट। सपोज हमने कहा मैक्सिमम लेवल इज 800 यूनिट्स, मतलब 800 यूनिट से ज्यादा हम बिल्कुल नहीं रखना चाहते। अगर हमने 800 यूनिट से ज्यादा रखे, इसका मतलब वी विल इंकर हैवी कैरिंग कॉस्ट। अच्छा अब क्या हुआ? शुरू चलो अब थोड़ा समझना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, अब ये क्या है? दिस इज रीऑर्डर। रीऑर्डर क्या मतलब समझ आता है? रीऑर्डर का मतलब दोबारा ऑर्डर प्लेस करना। मतलब जैसे ही आपका स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल पे आएगा ना,
आप अपने सप्लायर के पास एक फ्रेश ऑर्डर आप क्या कर दोगे? प्लेस। सपोज आपका रीऑर्डर लेवल है 500 यूनिट्स, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ही आपका स्टॉक का लेवल 800 यूनिट से 500 यूनिट्स पे आएगा, आप वैसे ही एक फ्रेश ऑर्डर अपने सप्लायर के पास क्या कर दोगे? आप प्लेस कर दोगे। चलो थोड़ा सा ना समझते हैं, मेरी बात सुनना भी, इस पे बाद में आऊंगा। पता है क्या, सुनो, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, हम ना रोज के, ध्यान से सुनना, हम रोज के 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के क्या करते हैं? कंज्यूम। सुनो, अज्यूम करो मेरे गोडाउन में इस वक्त मेरे गोडाउन में 800 यूनिट्स हैं, यानी मैं अपने कौन से लेवल पे हूं? मैक्सिमम लेवल पे हूं। हम रोज के 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो देखो, पहले दिन हमने कंज्यूम करे 100 यूनिट्स, दूसरे दिन हमने कंज्यूम करे 100 यूनिट्स, तीसरे दिन हमने कंज्यूम करे 100 यूनिट्स। तो 800 यूनिट थे मेरे गोडाउन में, जिसमें से 3 दिन में 300 यूनिट तो कंज्यूम हो गए। अब बताओ मेरे गोडाउन में कितने बचे? 500। मतलब मैं कौन से लेवल पे आ गया? रीऑर्डर लेवल पे। अब जैसे ही आप रीऑर्डर लेवल पे आओगे, आप अपने सप्लायर के पास एक फ्रेश ऑर्डर क्या करोगे? प्लेस। अब ये देखो, ये मैं हूं और ये मेरा सप्लायर है, ये मैं हूं और ये मेरा सप्लायर है, ठीक है। मैंने अपने सप्लायर के पास एक फ्रेश ऑर्डर मैंने प्लेस करा, ठीक है। कोई मेरे को बताएगा, मैं ये फ्रेश ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस करूंगा? मैं ये फ्रेश ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस करूंगा? मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब ना 300 यूनिट्स आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये फ्रेश ऑर्डर पता है कितने यूनिट्स का प्लेस करेंगे? 600 यूनिट्स का। कोई बता सकता है मैंने 600 यूनिट्स का ऑर्डर क्यों प्लेस करा? मैं आपको रीजन बताता हूँ, सुनो। क्योंकि ना आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि 500 यूनिट्स अभी हैं गोडाउन में, 600 यूनिट्स का अगर ऑर्डर और आ जाएगा तो हमारे पास गोडाउन में हो जाएंगे 1100 यूनिट। मतलब हम अपने मैक्सिमम लेवल को क्या कर जाएंगे? एक्सीड। और मैक्सिमम लेवल को एक्सीड करेंगे, इसका मतलब वी विल इंकर हैवी कैरिंग कॉस्ट। ऐसा नहीं है, देखो एक बात बताओ, आपने ऑर्डर आज प्लेस किया तो जरूरी थोड़ा ना ये 600 यूनिट आज ही आ जाएंगे। आपके सप्लायर ने पता है क्या कहा? आपके सप्लायर ने कहा, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, एटलीस्ट 3 दिन लगेंगे आपको डिलीवरी देने में, तो डिलीवरी पीरियड कितना लगेगा? 3 डेज। तो यानी याद रखना, 600 यूनिट आपको डिलीवर आज नहीं होंगे, 600 यूनिट आपको डिलीवर 3 दिन बाद होंगे। तो मुझे एक बार बताओ कब आने हैं 600 यूनिट? 3 दिन बाद। तो 500 में से 100 यूनिट कंज्यूम करोगे, फिर 100 यूनिट कंज्यूम करोगे दूसरे दिन, फिर 100 यूनिट कंज्यूम करोगे तीसरे दिन। अब बताओ आपका मिनिमम लेवल कितना आ गया? ये मिनिमम लेवल है 200 यूनिट, ये मिनिमम लेवल है आपका 200 यूनिट। अब मुझे बताओ, जैसे ही आप मिनिमम लेवल पे आए 200 यूनिट पे, 3 दिन पूरे हो गए ना, ध्यान से देखो, 3 दिन पूरे हो गए ना, और आप किस पे आ गए? मिनिमम लेवल पे आ गए। अब जैसे ही आप मिनिमम लेवल पे आओगे, आपको एक फ्रेश ऑर्डर मिल जाएगा 600 यूनिट का। तो 200 प्लस 600, आप मिनिमम लेवल से फिर बताओ किस पे पहुंच जाओगे? आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाओगे 800 यूनिट पे। और यही साइकिल ना चलती जाएगी। मतलब बताओ मेरे को, फिर से मैं 800 यूनिट पे आ गया, फिर 100 यूनिट कंज्यूम करूंगा, 100 यूनिट कंज्यूम करूंगा, 100 यूनिट कंज्यूम करूंगा, किस पे आ जाऊंगा? रीऑर्डर लेवल पे 500 यूनिट पे। जैसे ही 500 यूनिट पे आऊंगा, एक फ्रेश ऑर्डर 600 यूनिट का सप्लायर के पास क्या कर दूंगा? प्लेस। सप्लायर कहेगा आने में लगेंगे 3 दिन, उन 3 दिनों में मैं 100 100 100 कंज्यूम करूंगा। कितने यूनिट पे आ जाऊंगा? मिनिमम लेवल पे आ जाऊंगा 200 यूनिट पे। और जैसे ही मिनिमम लेवल पे आऊंगा, आपको फ्रेश ऑर्डर मिल जाएगा फिर से 600 यूनिट का, और आप घूम फिर के फिर से किस पे पहुंच जाओगे? मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। ये एक साइकिल है जो आपकी चलती जाएगी। अच्छा मेरे को बताओ,
फ्रेश ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस किया था? 600 यूनिट्स का। इसे हम नाम देते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, और ये जो 3 दिन का पीरियड था ना, इसे हम नाम देते हैं रीऑर्डर पीरियड। तो मेरे ख्याल से जितनी टर्म्स थी मैंने सब क्लियर करी आपको। अच्छा पता है क्या, सुनो, मिनिमम लेवल 200 यूनिट का है। मिनिमम लेवल का मतलब क्या हुआ? मतलब पता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल से कम रॉ मटेरियल अपने पास रखना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर इस लेवल से कम रॉ मटेरियल रखा ना, तो देर आर चांसेस कि आपके प्रोडक्शन में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में क्या आ सकती है, स्टॉपेज आ सकती है। तो हम 800 यूनिट से ज्यादा नहीं रखना चाहते क्योंकि हैवी कैरिंग कॉस्ट इनकर होगी, और हम 200 यूनिट से कम नहीं रखना चाहते क्योंकि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्शन में क्या आ सकती है, स्टॉपेज आ सकती है ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमने ना पूरा केस हमने डिस्कस किया, सारी टर्म्स का हमने मतलब समझा। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू।